छटका बहुत भारी पड़ता है बोल के, मैं तुमको पहले ही बोल दिया गर्म रहेगा, ठंडा हो गया ना अभी थोड़ा बहुत। अभी 15 दिन हुए अभी भी गर्म। मीरा रोड में है भाई अपना GM इंजन पॉलिश 345 रुपीज़। सही है भाई 345 इज वर्थ इट, मतलब ये पूरा चमक जाएगा ना बफिंग करके। गाइस पहले डीजल वॉश करा के मैंने ये मेडिकल से ले लिया है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रबिंग अल्कोहल बोलते हैं इसे, इससे रब करके फिर वो अपना सिरामिक कोटिंग लगाऊंगा। भाई मौसम बड़ा मस्त है आज का, देखो क्लाउड्स के आर पार जो सन रेज जा रही है, क्या मस्त लग रहा है। तो यहाँ मीरा रोड में मेरे घर के पास में बाइक वॉश एंड कार वॉश 350 में लोग इंजन बफिंग करके दे रहे हैं, बफिंग मशीन है इनके पास 350 में करके दे रहे हैं, मस्त है। साल भर में तो करा लेने का, क्लासिक और रॉयल एनफील्ड वाले हैं। इंजन और टैंक में ज़्यादा काम आता है, इंजन में तो चलो ठीक है, कुछ लोग रॉ रखना पसंद करते हैं जैसे भी दाग है जैसा भी है, बट टैंक में काफ़ी दाग आ जाते हैं। क्या सुंदर लगती ना भाई अपनी, ऐसा लगता है हाथी को नहला रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है। आई प्रीफर वॉशिंग इट माई सेल्फ, बट होम वॉश और डीजल वॉश तो यहाँ पे कराना बेटर है, क्योंकि वो प्रेशर वॉश हो जाता है ना पाइप से, जिसमें जो भी अगर अटका हुआ कीचड़ है वो निकल सकते मडगार्ड के अंदर रिम पे और अंदर साइड इंजन के, यहाँ पे इस तरफ है ना हाथ नहीं जाने वाला है, वहाँ पे प्रेशर वॉश ही कर सकते हैं, बाकी जितना भी हाथ से कर सकते हो हाथ से करो। बड़ी इज्जत है भाई लोगों की, जितने भी देखते हैं ना नई गाड़ी करके तो वो लोग प्यार से काम करते हैं। इन्होंने भी भाई लोग ने बोले कि नई गाड़ी भाई अच्छे से करो, अच्छा लगा सुन के। पर ये है ना हल्का सा स्क्रैच मेरे से लग गया था, दिख रहा होगा ये एकदम स्लाइट सा, लेकिन इतना दिल पे लगा ना मेरे को ये वाला स्क्रैच, क्योंकि डबल सैंड पे थी और ये जो ऐसी दीवार रहती ना डॉट डॉट जो इसमें पूरे सीमेंट के रहते हैं, इसके ऐसे हुआ गाइस ये। तो गाइस ये हल्का सा स्क्रैच आ गया है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई खुद से अगर नुकसान होता तो ठीक है, नस्तर जो रहती है वो उतर जाती है। तो ये मेरा सेटअप देखो रिकॉर्डिंग का, यहाँ पे मैंने गोप्रो लगा रखा है ऐसे ट्राईपॉड पे, यहाँ पे अपना सिरामिक कोटिंग का किट रखा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये अपना माइक्रो फाइबर क्लॉथ गिल है थोड़ा सा, इस उसका बैग है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। भाई देखो कैसा चमकता है ये रिफ्लेक्टर्स, मैमथ को मैंने यहाँ पे और ये वाले साइड को रबिंग अल्कोहल से क्लीन कर लिया है, डीजल वॉश करा के आया था उसके बाद रबिंग अल्कोहल से भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। टैंक को बाद में करूँगा, पहले वो ये सारे देख लेता हूँ क्या इफेक्ट है, गलती से कुछ भी साइड इफेक्ट ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, वो पेंट ऐसा उखड़ के आएगा अगर होएगा ऐसा कुछ तो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्कोहल रबिंग अल्कोहल लिया है, सॉरी अबाउट दैट। तो इसको भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ में डाल के और अच्छे से इसके ऊपर के जो रेसिड्यू रहेंगे वो क्लीन अप कर दूंगा, उसके बाद अपन सिरामिक कोटिंग करेंगे ट्रिपल लेयर, लेट्स गो। तो गाइस इसके पैकेजिंग में इंक्लूडेड होता है एक सिंगल बॉटल सिरामिक कोटिंग का, एक एप्लीकेशन स्पंज होता है और दो एप्लीकेशन क्लॉथ होते हैं जो वो स्पंज में रैप करके आपको यूज़ करना है, और एक ग्लव आता है और एक माइक्रोफाइबर बफिंग टॉवल आती है छोटी सी। गाइस एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको जो क्लॉथ है उसको स्पंज में रैप करना है, 10 ड्रॉप डालने हैं, अराउंड 8-10 ड्रॉप डाल के इवनली पूरे आपके बाइक के सर्फेस पर स्प्रेड करना है, विच मीन्स कुछ भी थोड़ा ऐसे अनइवन सरफेस ना रह जाए, पूरा इवन होना चाहिए, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन चारों डायरेक्शन में आपको स्प्रेड करना है उसको अच्छे से। गाइस इस कोटिंग के मेजर बेनिफिट्स से कलर जल्दी फेड नहीं होएगा आपका, मिट्टी ज़्यादा रुकेगी नहीं उस पर, और उसका लुक एकदम फ्रेश रहता है पूरी गाड़ी का, प्लस यूवी रेस से बचाएगा और केमिकल डजन पान से जो लोग थूक देते हैं और पेंट वेंट गिर जाते हैं तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर से बचाएगा, एंड स्क्रैचेस से भी थोड़ा बहुत अपना सेफ्टी मिल जाती है। जैसे कि गाइस आपने स्टार्ट के वीडियो में देख लिया था, मैंने पहले डीजल वॉश कराया अच्छे से, उसके बाद उसको सुखाया, नेक्स्ट स्टेप मैंने रबिंग अल्कोहल से भी रब करने के बाद उसको थोड़ा ड्राई आउट किया, एंड देन मैंने पूरा एप्लीकेशन लगाया है, जस्ट मेक श्योर थोड़ा आप ड्राई एरिया में हो, ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ रही हो, ताकि वो पूरा सूखने को उसको टाइम मिले और अच्छे से हो जाए।
एंड पूरा लगाने के बाद जस्ट मेक श्योर कि पहले बात तो जब आप लगा रहे हो कि डायरेक्ट सनलाइट में ना हो, डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रही हो उस पर। एंड सेकेंडली डोंट यूज़ द ड्रॉप्स टू मच, मतलब यूज़ करो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 ड्रॉप्स एक बार में एक लेयर में। एंड ऑल्सो गाइस मतलब उसको पूरा लगाने के बाद ना 2-3 दिन तक धोना नहीं गाड़ी को, लेट इट ड्राई, लेट इट कूल डाउन, अच्छे से पूरा उसको सेट होने दो और वॉशिंग करना नहीं उसके 3 दिन तक एटलीस्ट। और जब लगा रहे हो तो मेक श्योर यू डोंट यू नॉट टचिंग इट फ्रॉम योर फिंगर्स और योर हैंड्स, जस्ट स्पंज ऑन द क्लॉथ। सो स्पंज एंड क्लॉथ से आप पूरा लगा लो पहले एप्लीकेटर, उसके बाद 2 मिनट के बाद उसको बफिंग कर लो अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, फिर लेयर। तो ये मैंने वीडियो एडिट किया 2 हफ्ते यूज़ करने के बाद पूरे एप्लीकेटर को अपनी बाइक को चलाने के बाद। सो आई वुड रिकमेंड दिस 100%, ले लो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।